काशी आना ये अपने आप में एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहां अपने काशीवासी तो है ही, संतजनों और परोपकारियों का भी संग है। इसे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। अभी मुझे परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ दर्शन का, प्रसाद पाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके आशीर्वाद से ही आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। मैं काशी के, पूर्वांचल के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। साथियों, शंकरा आई फाउंडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे अवसर मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब वहां भी शंकरा नेत्र अस्पताल खुला था और आपके गुरुजी के सानिध्य में मुझे उस काम को अवसर मिला था और आज मुझे आपके सानिध्य में इस कार्य का अवसर मिला है। और मेरे लिए एक बहुत संतोष का विषय है। वैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया भी, मेरा एक और सौभाग्य रहा है। श्री कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी लिंग मिगल का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहा। परमाचार्य जी को अनेक बार उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला था। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी गल जी का मुझे बहुत स्नेह मिला। उनके मार्गदर्शन में मैंने अनेक कार्यों को पूरा किया और अब जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी का भी मुझे सानिध्य मिल रहा है। यानी एक प्रकार से तीन गुरु परंपराओं के साथ नाता जुड़ना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े संतोष का विषय है। आज जगतगुरु ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए
मेरे संसदीय क्षेत्र में आने का समय निकाला। मैं यहां के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, आज के दिन मेरे मित्र राकेश झुनझुनवाला जी की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। व्यापार जगत में उनकी एक छवि से तो दुनिया परिचित है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है, लेकिन वे सेवा कार्यों से कैसे जुड़े थे वो आज यहां दिखाई देता है। अब उनकी इस विरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। रेखा जी काफी समय दे रही हैं और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मौका मिल गया। मुझे याद है, मैंने संकरा आई हॉस्पिटल और चित्रकूट आई हॉस्पिटल दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशीवासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही दो नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों